Next, zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics क्या है? If A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then A and C will also be in thermal equilibrium. हम क्या कह रहे हैं, मान लो ए बी एंड सी ये तीन सब्सटेंस हैं, ए और बी दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये भी टी और ये भी टी। बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सो दैट मीन्स दिस विल आल्सो बी टी बिकॉज ये टी है। तो ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, जो कि हमें यहां से पता भी पड़ रहा है। So, हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो कि ये बोलता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव आल्सो यूज्ड इन कैलोरीमेट्री, जहां पर हमने बोला इफ टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन देयर फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम, और अदर हम बोलेंगे कि अगर ये दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम होने का मतलब है देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, or the temperature of two bodies is same and there is no heat flow from one body to another body. So this is the zeroth law of thermodynamics. Next part dekhte hain.